आज मैंने ये मिक्स सब्जी बनाई है, तो आज चलिए देखते हैं कैसे बना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेजिटेरियन फूडीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स सब्जी, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये मिक्स सब्जी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे जो है कढ़ाई को थोड़ा गर्म हो जाने देंगे, फिर हम अपने सब्जी इसमें फ्राई करेंगे। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून तेल भी डाल दिया हुआ है। और ये हमारी जो है सब्जी की सामग्री देखिए, तो इसमें मैंने 1 प्याज जो है मसाले के लिए लिया हुआ है और 7 कली लहसुन और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 2 मिर्ची और ये तेज़पत्ता और छोटे कटे हुए प्याज लिए हुए हैं सब्जी फ्राई करने के लिए। और ये आलू, शिमला मिर्च, गाजर और स्वीट कॉर्न और मटर, इतनी चीज़ को मिक्स करके सब्जी बनाएंगे। ये धनिया पत्ती और टमाटर बाद में डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो अब इसमें ये तेज़पत्ता डाल देंगे और ये प्याज। और तब तक हम ये 2 मिर्च और लहसुन और प्याज और अदरक ये सब मसाले के लिए मिक्सी जार में इकट्ठा कर ले रहे हैं पीसने के लिए। और सब्जी का मसाला जो है वो मेरा घर का बनाया हुआ है, तो इसमें सारे गरम मसाले और काली मिर्च, जीरा, धनिया सब कुछ पड़ा हुआ है, थोड़ा सा सौंठ पाउडर, इसलिए अदरक का टुकड़ा मैंने थोड़ा सा लिया हुआ है। और 1 चम्मच से 1.5 चम्मच मसाला हम ले रहे हैं। मसाला बहुत थोड़ा ही मैं डालती हूँ अपने सब्जी में। ये देखिए, ये प्याज हमारा थोड़ा पक जाए, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि ये अभी इसमें सब्जियों को फ्राई करेंगे तो ये मसालों के साथ सारी सब्जी भी पकेंगी। अभी इसमें आलू को भी फ्राई करेंगे प्याज के साथ। ये हमारा आलू अब थोड़ा सा भुन चुका है, तो इसमें ये 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे। और ये जो मसाला, प्याज, लहसुन सब मैंने पीसा था ना, वो सारा इकट्ठा ही पीस के इसमें डाल देंगे। और इसे इस तरह से भुनेंगे। इसी मसाले के जार में हम ये टमाटर काट कर पीस लेंगे। मसाला हमारा जो है वो थोड़ा आधा पक चुका है, जब तक हम तब तक हम अपने इस टमाटर को और ये 5 काजू जो हैं वो इसमें पानी में फुला कर रख लिए थे, वो भी इसी टमाटर के साथ पीस लेंगे। इतना कसूरी मेथी ऐसे क्रश करके इसमें डालेंगे और इसकी जो है डंडियाँ ये ऊपर ही रह जाती हैं फिर हाथ में ही, ये देखिए ये हटा देंगे। और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे हम। इसके बाद इसमें टमाटर और
काजू का जो पेस्ट है ये भी डाल देंगे। उसके बाद सारी सब्जियां इसमें थोड़ी देर भुनेंगे। गाजर को थोड़ा पहले ही डाल देंगे क्योंकि ये आलू की तरह ही थोड़ी देर में पकता है। फ्लेम को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ये टमाटर और काजू का जो पेस्ट था उसमें इसी में मिला देंगे और फिर इसे थोड़ी देर भुनेंगे। इस मसाले में अब ये सब्जियां भी हम डाल देंगे अपनी और थोड़ी देर मसाले के साथ भुनेंगे। जब ये मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा फिर इसमें नमक डालेंगे और पानी डालेंगे। अब ये सब्जी हमारी लगभग भुन चुकी है। इसमें एक चम्मच मलाई डाल देंगे। अभी इसमें ये घर के दूध का एक चम्मच, इतने बड़े चम्मच से मलाई मिला देंगे ताकि इसका ग्रेवी जो है वो रिच और क्रीमी हो। ये इसी में भूनते वक्त मिलते जाएगा। ये देखिए हमारी सब्जी जो है वो भूनकर तैयार है। इसे मैंने लो फ्लेम पर भुना था, अब थोड़ा सा इसका फ्लेम बढ़ा देंगे, मीडियम पर कर देंगे। और ये इस तरह से मिला था सारी सब्जियों को, इसमें अब ग्रेवी डाल देंगे, पानी डालकर इसकी ग्रेवी बना देंगे। ये सब्जी हमारी अब भुन चुकी है तो इसमें ये जो टमाटर पीस कर रखे थे ये पहले इसमें थोड़ा सा पानी ये डाल देंगे, इसी को इसी में डालकर जार में। और इसकी ग्रेवी हम गाढ़ी ही रखेंगे, ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे, तो इसलिए ये एक गिलास पानी इसमें डाल दे रहे हैं। ये अभी पकने के बाद ठीक हो जाएगा। तो अभी हाई फ्लेम पर एक उबाल इसमें आ जाए फिर इसका फ्लेम लो कर देंगे और उसके बाद सब्जी जब हमारी पक जाएगी तो फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो हमारे सब्जी में अब उबाल आने लगा है तो इसका हम फ्लेम लो कर देंगे और इसे पकने देंगे। 5 से 7 मिनट कम से कम पक जाए। इसमें नमक डाला है और ये इसको मैंने चला दिया है। मैं नमक डालना उस टाइम भूल गई थी, जब आप पानी डालें उसी वक्त नमक भी डाल दें तो फिर उसके बाद सब्जी जब पक जाए तैयार हो जाता है तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको सब्जी। तो देखिए तो हमारी ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम ये धनिया पत्ती डाल देंगे। तो आप भी अपने घर ये सब्जी बनाएं, पूड़ी या पराठा किसी भी चीज़ के साथ या चावल के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप ये एक बार हमारी सब्जी बना कर देखें और आपको अगर ये हमारी रेसिपी पसंद आए सब्जी की तो हमारा चैनल जो है वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें।